साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग एक बात मान के चले कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, ऐसा मैं मानता हूं। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है मैं उनसे दोबारा आग्रह करता हूं कि गोलवलकर की जो एक किताब है Nation and the nationhood and this bunch of thoughts. ये दोनों किताब आप पढ़ लीजिए। ये दोनों किताब आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आरएसएस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, ये आप लोग जान नहीं पाएंगे। कि उन किताबों के अंदर उन्होंने तीन चीजों की बात की। एक जो है कि उनकी एक नेशनलिज्म की अपनी एक डेफिनेशन है और जिसको उन्होंने धर्म के आधार पर रखा, वो आप हिंदू लव इस्तेमाल करते थे लेकिन अंदर की थियोरी जो है वो पूरी रेस की थियोरी है जिसको उन्होंने जाति के नाम से इस्तेमाल किया। इस रेस के जो कोई हिस्सेदार नहीं है उनको उन्होंने फॉरेनर करके संबोधा और फॉरेनर संबोधने के बाद उनसे कहा है कि इनको अगर राष्ट्र में जगह देनी है तो इनको दो चीजें करनी होगी। एक तो अपना धर्म परिवर्तन करना होगा या इनकी कत्ल करनी होगी। दूसरी बात जो उन्होंने यहां पर कही उस किताब में, यहां की सोशल रचना कैसी होनी चाहिए। बुद्धि जो है इसका उन्होंने इस्तेमाल तो किया है, कैपिटल के लफ्ज का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको लेके उन्होंने कहा कि यहां पर जो सुपीरियर रेस है और इंफीरियर रेस है और ये सुपीरियर रेस और इंफीरियर रेस की जो परिभाषा है वही परिभाषा उन्होंने कहा कि मनु ने दुनिया को सबसे बड़ी बात और यही वजह से लेके उन्होंने कहा कि जो बुद्धिवादी है जो पैसे वाली है उन्हीं के हाथ में राजनीतिक और सामाजिक पावर होनी चाहिए, ये उनकी किताब की एक बैठक। और इसलिए जब आरएसएस दोबारा सत्ता पर आई तो उस अपने आइडियोलॉजी को लागू करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, इसमें दोहरा नहीं। और उनके इस प्रयत्न को सफलता लाने के लिए यूनिवर्सिटीज ही ये टारगेट करेंगे। ध्यान से एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज या जितनी बड़ी कॉलेजेस है उस कॉलेजेस को अभी टारगेट करने जा रहे हैं। ये उनका मकसद यह है कि किसी भी तरह हम कियोस यहां पर पैदा करें, क्योंकि जब तक कियोस नहीं पैदा कर सकते तब तक जो सिस्टम चली है या चल रही है इसमें कोई खराबी है, इसमें बदलाव की जरूरत है, ये भाषा नहीं कर सकते। और इसलिए वो जो अभी अभी की बैठे है वो कियोस की थ्योरी यहां पर बैठा के चल रहे हैं। एफटीआई का आंदोलन जब चला और विद्यार्थी जब आए मुझसे कि आप हमको समर्थन कीजिए, मैंने कहा समर्थन जरूर करता हूं लेकिन उम्मीद मत रखिए कि सरकार आपसे बात करे। तो विद्यार्थियों ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखोगे इनकी जो स्ट्रक्चर है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दुगना मानते हैं, सेकेंडरी मानते हैं
और उसका पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो पार्टी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर माना, और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अंतिम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको एक मानसिकता तैयार करनी है, ये जब फैसला हुआ है उस फैसले के खिलाफ आपको आवाज उठाना नहीं है, वो फैसला आपको मानना ही होगा। ये मानसिकता होने की वजह से मैं आपके साथ हूँ, जितने दिन आप चाहिए मैं उसके साथ में हूँ, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूँ ये सरकार आपसे बात करे। दोस्तों, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अभी की जो सरकार है आरएसएस की सरकार है, ये दोबारा हमको 1947 में ले जाना था, क्योंकि ये जब तक हमको 1947 में ले नहीं जाएंगे तब तक इनका इतिहास शुरुआत नहीं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का जो इनका पहला इतिहास है, अगर इंडिपेंडेंस डे अगर किसी ने काला दिन मनाया होगा तो आरएसएस ने पहला मनाया। संविधान जब बनाया जा रहा था या जब व्यवस्था यहाँ पर नई व्यवस्था कैसी हो इसकी जब चर्चा हो रही थी, तब आरएसएस ने जब फैसले होते गए कि ये हमको व्यवस्था लानी है, तो उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के हम खिलाफ, और इसलिए इनको अपना इतिहास अगर बनाना है और शुरुआत करना, पुराना इतिहास मिटा के अगर इनका अपना नया इतिहास लाना है, तो इनको ये दिखाना होगा कि जिस इतिहास पर ये नई व्यवस्था खड़ी है, इतिहास भी खराब है और उसके साथ साथ ये व्यवस्था भी खराब है, और इसलिए नई व्यवस्था लाना जरूरी है। ये इनको जवाब देना होगा, इनका एक स्लोगन था कि वी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेताजी की फोर्सेस जब बर्मा क्रॉस करके आई थी, तो एक जोशी करके एक व्यक्ति थे कि जो नागालैंड के उनके प्रमुख थे, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपसे मुझे मदद की जरूरत है। जोशी जी ने कहा कि मैं स्वयं सेवक हूं, जब तक नागपुर से आदेश आता नहीं तब तक मैं आपको मदद नहीं कर सकता। नेताजी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई, उस वक्त के पुलिसों को झांचा दिया, नागपुर में आए, गोलवलकर जी को मिले मतलब ऑफिस में गए, 6 घंटा बैठे, लेकिन गोलवलकर उनसे मिले ही नहीं, और उस दिन का इतिहास मैंने पुलिस रिकॉर्ड में जब चेक किया, गोलवलकर नागपुर के ऑफिस में सो रहे। अब ये जो उनका इतिहास है कि जिसको पूछा जाएगा वो ये चाहते हैं कि ये इतिहास बाहर ना, और नया इतिहास लिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने कियोस्क लाना शुरुआत किया, जैसे यूनिवर्सिटीज में कियोस्क लाना शुरुआत किया उसी तरह उन्होंने इकोनॉमिक सेक्टर में भी कियोस्क लाना शुरुआत। दुनिया में शायद मंदी आ सकती है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं भी इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूं, जहां 50% के ऊपर लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, अगर उनके हाथ में थोड़ा सा भी अगर हम लोग पैसा दे तो यहाँ की इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, लेकिन सरकार यहाँ पे करेगी नहीं, उनको यहाँ इकोनॉमिक कियोस्क लाना है, क्योंकि कियोस्क ये उनका एजेंडा। दोस्तों, ये बात तो हम लोग तक हो गई। मैंने यशवंतराव चौहान के प्रतिष्ठान के अंदर की जो बात वही कहा कि हम लोग कहते हैं और हम लोग भी सुनते हैं, जब तक ये हम लोग की बात हम लोग ही सुनते रहेंगे तो मैं मानता हूं कि हम लोग ऐसे ऐसे कमरे में बंद है कि जिसमें खिड़कियां नहीं है, हमारी आवाज बाहर नहीं जाती।
हम अपने लोगों को ही सुना रहे या अपने को खुद के ही सुना रहे। इसलिए यहाँ जितने उपस्थित है मैं उनसे मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी है, इन बातों का हम लोग कैसे फैलाव करें, व्हाट्सएप से नहीं, फेसबुक से नहीं, ट्विटर से नहीं, लेकिन छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगों के साथ में लोगों के साथ हम लोग ये वार्तालाप शुरुआत करें तो मैं मानता हूं इनका जो असली चेहरा है, इनकी जो असली सोच है, ये हम लोगों के सामने यहां पर ला सकते हैं। जैसे अकाल है, हर सरकार मदद करती है, लेकिन ये सरकार मदद उन काश्तकारों को भी नहीं कर रही है कि जिनका फसल खत्म हुई है, जिनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, उनके लिए भी ये कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इनके थियरी में किसी को दान देना ये दिखाई नहीं। मैंने कई बार आरएसएस के मोहन भागवत से कहा कि भैया आरएसएस पे चर्चा करने के लिए तैयार, आप मंच तैयार कर दीजिए, जगह तैयार कीजिए, मैं अकेला आने के लिए तैयार। मुझे किसी इंटेलेक्चुअल जोड़ी की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया है कि मैं अकेला इनको फेस कर सकता और कल भी हम लोग कोई करने जा, हम लोग उनके मैदान पे खेलने के लिए तैयार नहीं। ये जो बाबा साहब का संदेश है कि द नेशन हैज टू बी बिल्ड, दिस हेटरोजीनियस मास हैज टू बी ब्रॉट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द कॉमन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच अ नेशन कैन बी बिल्ड। कल उसका हम लोग एजेंडा रखने जा रहे हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कल का नागपुर का जो एजेंडा है, नागपुर भी हमने अपनी मकसद से चुना है, खेलना है, खेलना है तो अपने मैदान से खेल के उनको चले, मैं मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट है, नेशनलिज्म के ऊपर की चर्चा है। मैंने कहीं सीखा नहीं या आज तक मुझे किसी ने किसी जितने भी स्कॉलर्स हैं, रिपब्लिक एंड सेडेशन ये साथ साथ जा सकते हैं, ऐसा अभी तक थियोरेटिकली तो भी मेरे सामने है। या मैं ये कहूंगा जिसने किसने लिखा होगा उसके लिए मैं अनपढ़ हूं, और इसलिए वहीं से मैं हम लोग आरएसएस को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया आई हैव टू बी लॉयल टू माय नेशन, आई कैन नॉट बी लॉयल टू अ गवर्नमेंट। In a republic, member of the republic is the owner. If I have to speak in terms of property. And the person who I elect to run the government is a civil. Therefore, speaking in economic terms, an owner cannot be an honest to a servant, it is a servant who has to be an honest to the owner. That is how the very good form that is the paribhasha agarkon. So, yehi paribhasha hai, in a republic there is no sedition. But whenever the government tries to become a non-democrat, members of the republic have all right. Go that moment out.
बिकने का, ढूंढने का, बगल रखने का, निकालने का अधिकार है उस सरकार के साथ। रिपब्लिक की वफादारी कभी नहीं हो सकती है, रिपब्लिक की वफादारी उस नेशन के साथ होती है, वहाँ के लोगों के साथ होती है, लेकिन सरकार के साथ नहीं, सरकार के साथ नहीं होती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिपब्लिक। नहीं तो हम लोग इंग्लैंड से बाहर जल्दी करेंगे। They were also ruling us. Why did we come up? Why did we ask for independence? Well, we wanted to be a republic ourselves. We wanted to be ruled by our own selves. We didn't want anybody else ruled, but we said we will rule ourselves and therefore we need it. इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो बातें हम लोग करते हैं अपने में ना करते हुए हम लोग लोगों के बीच में जाए, लोगों को इस बात को समझाए और लोगों को हम लोग इस बात बात की, जैसे प्रशांत ने कहा कि उनको कई लोग पूछ रहे कि क्या व्यवस्था चल रही है, ये बात सही है कि लोगों की एक इंटरेस्ट एक जिज्ञासा जाग चुकी है, उनको कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि गलत तो हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है इसकी उसको जानकारी नहीं है। ये गलत कौन की जानकारी आप देंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद। इसी के साथ ये परिषद यहीं पे समाप्त होती है।